हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, अगर आप भी नन हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हम नन हिंदी के 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो कि दोस्तों आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको नन हिंदी का एक कम्प्लीट रिविजन होगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम कमाए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे कि तू जिंदा है तो कविता के कवि हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है दोस्तों, शंकर शैलेंद्र। नेक्स्ट यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि हमारे काड़वा को डॉट डॉट का इंतजार है। तो यहाँ पर आपको दो का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी दोस्तों मंजिलों का, किसका दोस्तों, मंजिलों का इंतजार है। यहाँ पर मंजिल यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका तीन नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि सितम का पर्यायवाची है। सितम शब्द का पर्यायवाची आपको बता दें कि बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, यानी दोस्तों जुल्म, यानी कि जो बुराई करते हैं या फिर जुल्म ढाना जानते होंगे सब अभी लोग। चार नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि उदय का विपरीतार्थक शब्द हैं, विपरीतार्थक हैं ये आपको बताना है। उदय का तो अस्त होता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, उदय का अस्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका जो दोस्तों पाँच नंबर क्वेश्चन है, पाँच नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। तो पाँच का जो दोस्तों डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही होगा, जैसे टाल मटोल करना। टाल मटोल करना मतलब कोई भी चीज़ आपको बोला गया कि भाई ये काम करो तुम, लेकिन आप कहते हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो इसी को कहते हैं अगर मगर करना, या उसी को टाल मटोल करना कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि हमीद के पिता की मौत हुई थी। हमीद के पिता का मौत कैसे हुआ था? तो सिक्स का जो दोस्तों बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों, हैजा से, किसी दोस्तों हैजा प्रॉब्लम बीमारी से उनके पिता का मौत हो गया था। नेक्स्ट सात नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि महमूद किस कहानी का पात्र है। तो महमूद दोस्तों सात का जो है सी ऑप्शन सही होगा, ईदगाह कहानी का ही पात्र है महमूद भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका आठ नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिला चिलाती चिलचिलाती धूप को जो डॉट डॉट है ना देवे बना, चिलचिलाती धूप को जो डॉट डॉट देवे बना मतलब क्या बना देना देता है। तो आठ का बी ऑप्शन सही होगा, चांदनी बना देवी को। क्या दोस्तों, चिलचिलाती धूप को भी जो चांदनी बना देती है उसी को करमवीर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपका नौ नंबर क्वेश्चन है, नौ नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछ रहे कि पानी, सॉरी यहाँ पे नौ नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि बाधा का अर्थ होता है। तो बाधा का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो नौ का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, रुकावट, क्या होता है दोस्तों, रुकावट होता है। नेक्स्ट दस नंबर क्वेश्चन है कि आरंभ का विपरीतार्थक शब्द है, आरंभ का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो जो आपका दस का सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी दोस्तों अंत, आरंभ का अंत, आरंभ में इसको होता है शुरू करना और अंत में सभी जानते हैं कि खत्म करना। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि लेखक बाल गोविंद भगत के डॉट डॉट पर है ना मुग्ध था, लेखक जो है वो बाल गोविंद भगत के डॉट डॉट पर मुग्ध था, मतलब किस पर मुग्ध था। तो ग्यारह का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों, मधुर गान पर, क्योंकि बाल गोविंद भगत एक अच्छा गायक भी थे, बहुत अच्छा गाते थे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लोग मैट्रिक के बाद अगर ITI करना चाहते हैं तो आप हमारे ITI वाले मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर भी सर्च करेंगे LGR स्टडी ITI तो वहाँ आपको आ जाएगा सबसे ऊपर में ही। बारह नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज है ना सब चीज साहब की थी, किसकी थी, साहब की थी, किस पाठ की पंक्ति है, यह पंक्ति मतलब ये जो लाइन है किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ आपका दोस्तों बाल गोविंद भगत बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तेरह नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। साधना का जो चरम उत्कर्ष था वो यहाँ पर आपका बी सही होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिस दिन उसका बेटा मर गया उस दिन उसके साधना का चरमोत्कर्ष देखा गया था, उनके द्वारा जो है बहुत ही अलग तरह से भावनाओं को व्यक्त किया गया था। आप सभी अगर बुक पढ़े होंगे तो पता चला होगा कि भाई गा करके किए थे। नेक्स्ट यहां पर आपका चौदह नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि बाल गोविंद भगत
प्रत्येक वर्ष कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, गंगा स्नान के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा कितनी दूर थी। ये क्वेश्चन आपको तो 15 का जो ए ऑप्शन है सही होगा दोस्तों, 30 कोस कितना दूर दोस्तों, 30 कोस दूर थी गंगा बाल गोविंद भगत के घर से। नेक्स्ट यहाँ पर आपका अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, कहा था, यह बात किसने कहा था? तो यहाँ पर आपका 16 का जो सही आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि आग बगुला होना का अर्थ है, आग बगुला होने का क्या अर्थ है? तो 17 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों, है ना, गुस्से से बाहर आना, गुस्सा होगा क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, गुस्सा होगा, गुस्से से बाहर जाना। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि पहाड़ पर पानी की यह अति अति लीला है, बोला कि पहाड़ पर यह पानी की अति लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला, फिर पाठ की किस पाठ की पंक्ति है, यह किस पाठ का पंक्ति है? तो हुंडरू का जलप्रपात आप सभी जानते हैं कि पहाड़ पर लीला करती है जो पानी होती है, वो तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विलीन का अर्थ है, विलीन जो शब्द है विलीन उसका क्या अर्थ होगा? तो 19 का जो यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों लुप्त तो हो जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी किस काल के कवि हैं? तो 20 का जो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, रीति काल के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन को आप सभी देंगे, 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा बोला जाए कि कनक का अर्थ है, तो 21 का जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों, सोना, कनक का क्या अर्थ होता है? सोना होता है, यहाँ पर आप सोना देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला 22 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि मानू किसकी छोटी बहन थी, मानू किसकी छोटी बहन थी? तो यहाँ पर आपका जो 22 का सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कि दोस्तों इनमें से सॉरी यहाँ पर क्या है, मानू जो बहन थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग जो आपका ऑप्शन है कुछ मिस्टेक आ रहा है, ठीक है, झांसली भाग लेखक की, किसकी दोस्तों? लेखक की बहन थी, किसकी दोस्तों? लेखक की बहन थी जो मानू थी वो। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की माँ ने काम के बदले सिरचन को क्या देने का वादा किया था, लेखक की माँ जो है सिरचन को काम के बदले क्या देने का वादा किए थे, ये आपको बताना है। तो 23 का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मोहर छाप वाली धोती देने का वादा किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि सिरचन को पान किसने खिलाया, तो 24 का जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा, यानी दोस्तों मानू ने, मानू दीदी। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि गांव भर में सिरचन की कदर कहाँ होती थी, गांव भर में सिरचन की कदर कहाँ होती थी, मतलब पूरे गाँव में सिरचन कहाँ अच्छा से सत्कार किया जाता था, तो 25 का बी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, लेखक की हवेली में। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि स्टेशन पर सिरचन किससे मिलने आया, स्टेशन पर जो है सिरचन जो आया था वो किससे मिलने आया था, ये आपको बताना है। तो 26 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मानू से, किससे दोस्तों? मानू दीदी से मिलने गया था, जो सामान लेकर के गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो 27 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, बच्चों की बच्चे की दुआ पाठ से ये लिया गया है। 28 है कि अशोक का शस्त्र त्याग पाठ है, अशोक का शस्त्र त्याग पाठ क्या है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, एकांकी है वो, क्या है? एकांकी है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि मगध और कलिंग में कितने वर्षों से युद्ध हो रहा था, तो यहाँ पर 29 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी दोस्तों 4 वर्ष से। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया कि अशोक कहाँ के
सम्राट थे। तो अशोक दोस्तों आपको बता दें कि मगध के सम्राट थे, तो ये ऑप्शन सी होगा मगध। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बिहार के रहने वाले हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वकील साहब किससे जलते थे, तो 32 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि बीमा एजेंट से वो जला करते थे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वकील साहब की पत्नी कैसी थी, तो यहाँ पर आपका 33 का जो सही आंसर होगा वो आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों, है ना, मृदुभाषिणी से। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्पर्धा का पर्यायवाची है, तो 34 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों प्रतियोगिता। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक ने ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय बताया है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या उपाय बताया गया है लेखक के द्वारा ईर्ष्या से बचने का, तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मानसिक अनुशासन, अगर आपका खुद का अनुशासन अच्छा हो तो आप ईर्ष्या से बच सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, है ना, पंडित किस पाठ के से ली गई है पंक्ति, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ये जो पंक्ति है वो किस पाठ से लिया गया है ये आपको दोस्तों क्या करना है बताना है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा 36 का वो सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कबीर के पद इस चैप्टर से लिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर किस काल के कवि हैं, तो 37 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी देख सकते हैं कि भक्ति काल के कवि। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल की, है ना, शिक्षा का केंद्र था, तो 38 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि आप देख सकते हैं कि बौद्धकालिक शिक्षा का। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविश्वविद्यालय थे, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों 39 का जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य, यानी कि प्रथम आचार्य कुलपति, यानी कि जिसको प्रधानाचार्य के नाम से भी जानते हैं, तो 40 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि कृष्ण भद्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि पुरातात्विक खनन से प्राप्त हुए बुद्ध प्रतिमा किस मुद्रा में है, तो 41 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा में है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला का सर्वनाश किस कारण हुआ, तो 42 का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहां पर आपका सी हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं तुर्कों के आक्रमण के कारण। नेक्स्ट यहां पर जो आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला का, है ना, सर्वनाश किस सदी में हुआ था, विक्रमशिला का सर्वनाश जो है वो किस सदी में हुआ था ये आपको बताना है, तो आपका जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा 43 का सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं कि 13वीं सदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि डायरी लिखने के लिए संजू का हौसला किसने बढ़ाया, तो दीदी ने बढ़ाया था, तो 44 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, यानी कि दोस्तों दीदी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 45 नंबर क्वेश्चन है इसको आप देखने की कोशिश करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर देखते हैं। स्वादिष्ट का अर्थ होता है, स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वहाँ आपका 45 का जो है ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं कि युग युग के यहाँ पर रुचिकर सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि युग युग से जग में अटल किस पाठ की पंक्ति है, तो 46 का जो दोस्तों सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पीपल। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि आंसू पोछना मुहावरे का अर्थ है, तो आंसू पोछना मुहावरे का अर्थ बताना है यहाँ पर आपको, तो 47 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं कि
सांत्वना देना ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, तो सु आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 48 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, सु। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन की एकता का विपरीतार्थक शब्द है, तो एकता का होगा अनेकता, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 है कि पुष्प का पर्यायवाची है, तो पुष्प का पर्यायवाची बहुत सारा होता है, सुमन भी होता है, तो 50 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, सुमन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करने के बाद आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ITI प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए हमारा मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।